अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं बरेकोट बलो कले में मौजूद हूँ। आज आपको दिखाना है अलीदाद वाटरफॉल, यानी अलीदाद वैली है, एक वादी है और इस तरह छड़ कमर भी इसको कहते हैं, एक बन वाटरफॉल है बहुत ही बड़ा, तो वो आज आपको दिखाना है। मेरे साथ रहे। अगर आप सामने देखें तो ये स्टूपा है, गुंबद है, इसको बलो कले स्टूपा कहते हैं। हम जहांगीर किले पहुंच गए, यानी जहांगीर गांव हम पहुंच गए हैं और जहांगीर गांव के बाद रास्ता है लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब है, तो गाड़ी हमने यहीं पर खड़ी कर दी। अब हम पैदल जाएंगे अलीदाद या कमर चल आबशार, ये काफ़ी नाम है इसके, तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं किस तरह रास्ते है, आपको सब दिखाते हैं। अच्छा पैदल अगर आप रास्ते को देखें तो गाड़ी मतलब इस पर आ जा सकती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ख़राब है तो हमने गाड़ी वहीं पर खड़ी कर दी है और पैदल थोड़ा सा सफ़र कर लेते हैं ताकि आपको दिखाएं कि कैसा है। और ये है कि आप मोटरसाइकिल पर भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल तो वहां तक मेरा ख्याल है कि बिल्कुल पहुँच जाएगी। ये अब नीचे वाले हिस्से में हम पहुंच गए हैं, अगर आप देखें तो यहाँ से इसका पूरे एरिया का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, गहरी काई है और अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा हल्का है, मतलब कम है पानी, इसमें इस वक्त पानी का बहाव कम है क्योंकि बारिशें भी कम हुई है और बर्फ़बारी भी कम हुई है इस दफ़ा, तो यही वजह है कि आप देख सकते हैं पानी कम है, लेकिन बारिश फिर भी ठीक है। मुश्किल ट्रैक है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास स्टिक हो तो फिर बेहतरीन है, इतना मुश्किल नहीं, लेकिन बहरहाल है मुश्किल। आज हम आपको खिलाते हैं ऑर्गेनिक फूड और ये आपको खिलाते नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको, खाएंगे तो हम खुद, आपको सिर्फ दिखाना है। तो अलीदाद वाटरफॉल पे हम पहुँचे, अभी फर्स्ट आबशार जो है ना वो इसके साथ, अगर आप पीछे देखें तो वो बह रहा है और इसके गिरने का नज़ारा इंतहाई शानदार है। तो अभी आपको खाना खिलाते हैं और खाने के हवाले से बात करते हैं, लस्सी है और प्याज है, मकई की रोटी है, क्या ये बात है। प्रोफेसर अजहरुद्दीन साहब प्याज को काट रहे हैं और प्रोफेसर डॉक्टर इमदादुल्ला साहब हमें लस्सी जो है ना वो पिला रही है, ऑर्गेनिक लस्सी है, और ये प्रोफेसर डॉक्टर इमदादुल्ला साहब की खसूसी मेहरबानी है, आज हम इनके यहाँ मेहमान हैं। चीयर्स। सर कैसे ख्याल आया कि यहाँ पर जो है ना ये हमारे पश्तों में इसको शुमले भी कहते हैं और कच्ची लस्सी, तो कैसे ख्याल आया प्याज और ये मकई की रोटी और ये क्या? जब आप लोगों ने कहा कि हमने जाना है तो सोचा कि कुछ खाने के लिए लेके चलते हैं,
लेकिन आम तौर पर जो चीज़ें होती हैं उसमें मिठाई मीठा ज़्यादा होता है, चीनी ज़्यादा होती है, या फिर उसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ऐसी नेचुरल जगह पे आप आएँ तो यहाँ के साथ जो है ना उसके हारमोनियस हो जी, जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो, जिसमें कम हो क्या ग्लूकोज वगैरह कम हो, उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम हो। दूसरा आबशार सुभान अल्लाह माशाल्लाह, वाह क्या नज़ारा है। यही इस लोकेशन की हमें तलाश थी। नाज़रीन अलीदाद आबशार हम पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारा है। स्वात में ये अपनी नौईयत का मतलब एक मुनफरिद आबशार है। इतनी बुलंद, इतनी गहराई में अगर आप देखें, बुलंदी अगर आप देखें तो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है पहाड़ों का, और इस पहाड़ों के दरमियान में से एक बहुत ही बड़ा आबशार। इसके गिरने का नज़ारा इंतहाई शानदार है। थोड़ा सा पैदल ट्रैक है, लेकिन अगर आप इधर आते हैं तो आप यहाँ खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ इस बेहतरीन आबशार से भी लुत्फ़अंदोज होंगे। मेरे साथ रहे। पिकनिक मनाने के लिए दोस्त आए हुए हैं, खाना भी ख़ुद पकाते हैं और ये बिल्कुल आबशार के साथ है। सर कैसा लगा आपको ये आबशार? पहली दफ़ा आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, हम स्वाद के लोग हैं लेकिन हमें पता नहीं था। देखिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, जैसे आपने कहा कि हम यहाँ के लोकल लोग हैं और हमें भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनके हमें पता नहीं है। तो मेरा ख़्याल है इससे ये भी हमें एक एहसास होना चाहिए कि जो हमारे टूरिज़्म के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो इदारे हैं, जो प्राइवेट कैपेसिटी में जो लोग भी काम कर रहे हैं, उनको ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। अब हम इस एज में इसको पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो आई थिंक कि चूँकि हम इतने करीब रहते हैं, मेरा गाँव कोई यहाँ से 10-12 किलोमीटर के फासले पर है, तो मुझे यहाँ पर 10-12 दफ़ा आना चाहिए था, लेकिन मैं पहली दफ़ा आया हूँ। तो इस तरह की जगहों को और भी ज़्यादा उजागर करने की ज़रूरत है, और यहाँ आके बहुत खुशी हुई। यहाँ पे ये यंग लोग हैं, बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे जवान आए एंजॉय कर रहे हैं सारे। तो इस तरह के यंग लोग जो हैं अगर हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो उनका ध्यान जो है हेल्दी चीज़ों की तरफ जाएगा। मैं और आप दोनों हम एक पैगाम देना चाहते हैं, और वो ये है कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं, बोतल जो होते हैं और इसकी जो वो गंदगी मतलब वो चीज़ें जो है ना वापस लेके जाए। अगर 2-3 किलो चीज़ आप लेकर आते हैं यहाँ पर तो मेरा ख्याल में कोई किलो से भी कम होगा कि वापस वो अपने साथ लेके जाए और यहाँ पर गंदगी ना फैलाए, क्योंकि ये कुदरती नेचुरल ब्यूटी है, इसको हमें चाहिए कि हम इसको नेचुरल ही रहने दिया जाए। तो मेरा ख्याल में ये अच्छा होगा। ये बिल्कुल, और अगर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिस तरह के छिलके हो गए, फ्रूट्स वगैरह हो गए, अगर छिलके वगैरह हैं वो अगर रह जाएँ तो आप उसको एक जगह हटा के ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे वो नज़र ना आए ताकि वहाँ की ब्यूटी ख़राब ना हो। दूसरी जो चीज़ें हैं प्लास्टिक वगैरह चीज़ें हैं, डिस्पोजेबल चीज़ें हैं जो
इनऑर्गेनिक है जो डीकम्पोज नहीं होती उन चीज़ों को वापस लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, ये शऊर जो है ये हमें, और ये सर आप अपने यूनिवर्सिटी के सतह पर चूँकि आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो आप वहाँ भी, मतलब मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ क्लास में भी इनको बताया करें कि आप जब भी कोई नेचुरल जगह पे कुदरती हुसन के, चूँकि स्वात कुदरती हुसन से माला माल इलाका है, यहाँ बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं कि हमारे जवान जाते हैं, तो आप वहाँ भी प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आपने क्लास में ज़रूर बता देना है। ज़रूर ज़रूर, और हम जो हैं यूनिवर्सिटी में वक्तन फ़वक्तन हम मुख्तलिफ़ जगहों पर, मसलन कंडोल झील है, मागोडन वगैरह है, वहाँ पर हम क्लिनिंग कैंपेन्स करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स हमारे जाते हैं, अज़रुद्दीन जो है कई स्टूडेंट्स को लेके गए हैं, और वो सिर्फ क्लिनिंग के लिए वहाँ जाते हैं, दो तीन बड़े शॉपर्स एक एक बंदा उठा के उधर से ले आता है। तो मतलब ये है कि अवेयरनेस अगर उसके साथ हो और गंदगी का फैलाव कम हो जाए और दूसरी तरफ जो है वो लोग उसको सफाई भी करते रहें तो ये हमारी खूबसूरत जगह जो हैं खूबसूरत रहेंगी। बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा अब्दुल्ला इनको दिखाएं आफ्ताब क्या नज़ारा है। तकरीबन कोई सर ये 300-350 फुट बुलंदी की तो बुलंदी होगी। बिल्कुल 350 फुट के करीब होगी, 300-400 फुट के करीब होगी। बिल्कुल, इसकी एग्जैक्ट तो हमें नहीं अंदाज़ा लेकिन काफ़ी हाइट ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है। और ये अभी इस वक्त पानी कम है क्योंकि इस दफ़ा बर्फ़बारी भी कम हुई है और बारिशें भी काफ़ी कम हुई है, तो इस वजह से पानी का जो मकदार है वो कम है। लेकिन मुकामी लोगों का कहना है कि ये मौसम के लिहाज से ये बढ़ भी जाता है और मतलब इसमें इजाफा हो जाता है। हमारे साथ नहीं, हमने ऊपर जाने हैं, वो जो लोग वहाँ पर खड़े हैं वो टॉप पे हमने जाना है कि ऊपर से कैसी दिखाई देता है और इसका नज़ारा कैसा है। मेरे साथ रहें। नीचे उतरते हैं कि नीचे नज़ारा कैसा है। अभी सर सिंगाला वाल जरूर इस वक्त हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अताउल्ला है। अताउल्ला कहाँ से आए हैं? और मैं जो है ना तहाना मलाकंड बाईजई से आया हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा और कैसे पता चला कि यहाँ पर आबशार है? ये जी मेरे ये कज़न है, इनको पता है और इसी हम इनके घर आए, इन्होंने कहा आओ कि हम लोग जाएँ इंजॉय करने घूमने करने। ठीक है, तो फिर इन्होंने हमें यहाँ पे लाया। कुछ देर तक गाड़ियाँ आती है तो वहाँ तक गाड़ी में आए, फिर हम लोग पैदल पैदल आए। पैदल रास्ता आसान था कि मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। यार आप तो जवान बंदे हैं यार थोड़ा सा आप प्रोफेसर, दोनों प्रोफेसर लगे हुए हैं कचरा इकट्ठा कर रहा है, तो इनको मैं दाद देता हूँ कि हमारा जो मुल्क है उसको साफ़ सुथरा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। और ये अगर आप देखें तो क्या ही बात है, ऑर्गेनिक फ्रूट खाया जा रहा है, तैयार हो रहे और बेहतरीन है। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए? हम लोग कराची से आए, हम लोग ताना बाईजी से आए, यहाँ हम लोग मेहमान हैं, यहाँ कज़न लोग आए हुए हैं सब, तो हमने कहा चलो कुछ एंजॉयमेंट कर लेंगे। अच्छा, घूम लेंगे फिर लेंगे। तो इब्रार कैसा है, आपको कैसा लगा आबशार? ये बहुत खूबसूरत जगह है जी, और यहाँ पर हम लोग आए हैं अपने रिश्तेदारों और अपने कज़न्स के साथ। बाकी बहुत ही खूबसूरत जगह है, पानी बहुत काफ़ी मकदार में है, साफ़ पानी है, साफ़ जगह है और बहुत ही खूबसूरत आबो हवा है। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं वो यहाँ पर आएँ और अपनी पिकनिक मनाएँ, बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। मानी
ये जहाँ भी आप जाए तो थोड़ी बहुत मेहनत करके इतना कचरा हम तीनों ने इकट्ठे किया है, तो देखते हैं आगे कि आगे क्या है। थोड़ा सा आबशार का नज़ारा आपको दिखाते हैं। चांद, अगर आप देखें तो चांद भी दोनों पहाड़ों के बीच में, चांद का नज़ारा क्या ही बात है। और प्रोफेसर अजरुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे आप, पहली दफा आए हैं? इससे पहले भी आप 5-6 दफा आ चुके हैं। सर बेसिकली ये अलीदाद या छड़ कमर आबशार इसको कहते हैं, छड़ भी पश्तो में आबशार को ही को कहते हैं सर। और इससे पहले भी कई दफ़ा आया हूँ बंजीर और मुल्क का साथ, फिर कभी कभार जो हम इसी ट्रैक से गुजरते हैं वापस जाते हैं। तो ये मेरा कोई 7-8 दफ़ा है मैं यहाँ पे आया हूँ, और हर दफ़ा इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका व्यू जो है ये डिफरेंट होता है और ज़्यादा इंजॉयबल होता है सर। अच्छा, तो क्या सैयाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर अगर आप लोअर सवात में देखें तो दो आबशार काफ़ी मशहूर है। एक जो है शिंगराई जो मंगलौर के इलाके में है, वो भी मंगलौर से कोई है 12-10 किलोमीटर के पास से, और दूसरा जो नियरेस्ट आबशार है वाटरफॉल है ये अलीदाद या छड़ कमर आबशार है जो ब्रिकोट तहसील में कंडाक वैली, जो अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी के कैंपस इसी वैली में जारी है, तो ये इसी के बिल्कुल करीब वाक़ है और काफ़ी आसान ट्रैक है। दोनों ये दोनों आबशार जो इसके ट्रैक्स काफ़ी आसान है सर। ये भी ताजा स्टूपा है, अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, हम ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गए। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर एक छोटा सा झील भी बना हुआ है और आबशार इस झील में गिरता है और यहाँ से पानी जो है ना वो बहना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, मुकामी भी और डाउन डिस्ट्रिक्ट से भी जवान आते हैं, यहाँ नहाते भी हैं और इंजॉय भी करते हैं। मेरे साथ रहे और आपको मज़ीद मैंने इस अलीदाद वाटरफॉल के बारे में बताना है। अगर आप देखें तो एक जवान इसमें नहा रहा है, ठंडे ठंडे पानी में तैरता हुआ ये जवान। अलीदाद आबशार को स्वात के आबशारों में एक मुनफरिद मुकाम हासिल है और वो ये कि ये तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम है और स्वात के मेरा ख्याल यही है कि सबसे बुलंद यानी ऊंचाई से गिरने वाला आबशार है। तो आप ज़रूर यहाँ पर आए, आप इंजॉय करेंगे, आपको ये जगह पसंद आएगी। ये मिंगवारा शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासिले पर है और बरकोट से 5 किलोमीटर के फासिले पर है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप खूब इंजॉय करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।